ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं श्रीलक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए पितृ महाराज की जय। यह एक पौधा घर में लगाने से मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, आपके घर में कभी भी पितृ दोष नहीं हो सकता। बहुत सारे जो लोग पितृ दोष से पीड़ित रहते हैं हमसे लगातार पूछते हैं, गुरुजी ऐसा क्या कार्य किया जाए जिससे हमें पितृ दोष से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके। तो आपको जानकर बेहद खुशी होगी, आज मैं आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसको लगाने से आप पितृ दोष से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। यह कोई आम साधारण पेड़ नहीं है, यह पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसको लगाने से आपके घर की सुख शांति, बरकत, पैसा, धन धान्य, देवी देवताओं का आशीर्वाद, सुख सौभाग्य आपको हर एक वरदान मिलेगा अगर यह पेड़ आप अपने घर पर लगाते हो। आप पितृ दोष से पीड़ित हैं जिसके कारण परिवार में तरह तरह के संकट रहते हैं, गरीबी, अकारण क्लेश, बीमारी, रिश्तों में अनबन, ये सभी दोष कहीं ना कहीं पितृ दोष के कारण हमारे साथ ये चीजें घटने लगती हैं। तो अगर आप सच्चे मन से अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी घर गृहस्थी में हमेशा सुख शांति रहे, तो आपको यह पौधा अपने घर पर जरूर लगाना चाहिए। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री ज्योतिष मिराकल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। तो चलिए नारायण भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम वटास्यपात्र स्यबुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा सम्रामी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी भक्तों को मालूम है कि पितरों को मोक्ष देने वाले, पितरों को सदगति देने वाले भगवान विष्णु है। अगर विष्णु जी हमसे प्रसन्न हैं, तो हमारे घर में कभी भी पितृ दोष नहीं लग सकता। नारायण भगवान की आराधना करने पर हमें पितरों का बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर हमारे पितर हमसे रुष्ट हैं, अगर हमारे पितर हमसे नाराज हैं, तो उन्हें सबसे जल्दी और सबसे आसानी पूर्वक मनाने का जो तरीका है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा विष्णु भगवान की पूजा की जाए। विष्णु जी प्रसन्न होकर के हमारे पितरों को सदगति प्रदान करते हैं और स्वर्ग में हमारे पितरों का वास होता है। लेकिन एक ऐसा पौधा जिसको लगाने से विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं और उसके आशीर्वाद से आपके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्यारे बंधुजनों, उस पौधे का नाम है तुलसी का पौधा। जी हाँ, तुलसी को माता कहा गया है और तुलसी का वृक्ष एक ऐसा पौधा है जिसको अगर आप अपने घर में लगाते हैं, आपके घर में जन्म जन्मांतर तक कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी पितृ दोष नहीं होगा। साथियों, अगर आपने अपने घर पर तुलसी का पौधा लगाया है तो उसके बहुत से नियम आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तभी आपको विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि आपने तुलसी लगाई ना तो उसकी
ध्यान आप रख रहे हो, ना उस पे आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, ना कभी कोई धूप ज्योत बत्ती कर रहे हो, ऐसे लगाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने तुलसी का पौधा लगाया है तो विधिवत रूप से वहां पर हमें पूजा भी करनी चाहिए, अर्चन करना चाहिए, तभी जाकर के विष्णु भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें भगवान का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथियों, कभी भी रविवार के दिन तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी को अगर हम रविवार के दिन स्पर्श करते हैं तो ऐसा करने से हमें घोर पाप लगता है। तुलसी के पौधे के समीप अगर आप गाय के घी का दीपक जलाते हैं, ऐसा करने से आपके पितरों की सदगति होती है, क्योंकि तुलसी जो है वृंदा अर्थात भगवान लक्ष्मी नारायण जी की जो पत्नी है उनका नाम वृंदा है, और विष्णु भगवान पर तुलसी यानी कि शालिग्राम जी पर तुलसी चढ़ाने से आपके पितृ देवता हमेशा आपसे प्रसन्न रहते हैं। तुलसी के पास अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादाक्षर मंत्र का जाप करते हैं तो ऐसा करने से भी आपके पितरों का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तुलसी के समीप कभी भी अशुद्धि नहीं फैलानी चाहिए, अर्थात जहां पर तुलसी का पौधा लगा हुआ है वहां पर जितनी अधिक साफ सफाई आप रखते हैं, जितनी अधिक शुद्धि आप रखते हैं, उतना ही ज्यादा विष्णु भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कार्तिक के महीने में तुलसी के समीप नित्य रूप से दीपक जलाने पर आपके पितृ देवता स्वर्ग लोक से हमेशा आपको अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तुलसी के पौधे के समीप अगर आप ओम पितृ देवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो वो भी आपके पितरों के लिए बेहद कल्याणकारी होता है। पितृ देवताओं का आशीर्वाद जब हमें प्राप्त होने लगता है तो हमारे घर के जो कार्य होते हैं, हमारी पैसे के बरकत के जो कार्य होते हैं, खुद ब खुद बनने शुरू हो जाते हैं और जन्म जन्मांतर तक दोबारा फिर कोई पितृ दोष हमारे घर में नहीं बन पाता और हमारे परिवार में सुख शांति होनी शुरू हो जाती है। तो आपको आज का यह एपिसोड कैसा लगा है अपनी राय हमें जरूर भेजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय भोलेनाथ।